सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं टेकटॉक्स के ग्रुप एपिसोड में और लेके आया हूं आपके लिए बहुत ही कमाल की टेक न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे आज जो वीडियो है वो मतलब आने वाला है बिल्कुल परफेक्ट टाइम पे, एग्जैक्ट 10 बजे ऐसा मुझे लगता है फिलहाल टाइम देख के। अब इस पंचुअलिटी के लिए, आपके इतने प्यार और सपोर्ट के लिए एक लाइक तो बनता है। दूसरा पहला अपडेट है वो निकल के आता है यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, यहाँ पे ये चल रही है प्लानिंग की कैसे आपके विंडोज सिस्टम को कन्वर्ट कर दिया जाए बिना पासवर्ड वाले सिस्टम में, जहां पे मान लीजिए भैया अगर आप भूल जाते हैं अपने पासवर्ड को या फिर अगर आपके लैपटॉप में नहीं है फिंगरप्रिंट स्कैनर विंडोज हेलो वाला सिस्टम, तो अब आप अपने मोबाइल फोन को काम में ले सकते हैं एज अ बैकअप ऑप्शन, जहां पे आप दोस्तों अपने फोन के फिंगरप्रिंट स्कैनर को काम में ले पाएंगे और लॉगिन कर पाएंगे अपने कंप्यूटर में। तो ये काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है फिलहाल दोस्तों, लेकिन जो टेस्टिंग है वो चल रही है सिर्फ विंडोज 10s में। देखते हैं कि बाकी वेरिएंट्स में चीज आ पाती है या नहीं। दूसरा अगला अपडेट निकल के आता है वो है भैया ये एकदम ऐसे मिस्टीरियस डिवाइस को लेके जो कि स्पॉट किया गया है गीक बेंच पे, और यहां पे भैया चल रहा है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 845 पे। जो रैम है वो है 6GB की। तो अब ये फोन जो है ये Xiaomi का दोस्तों जो एक रूमर्ड फोन है वो हो सकता है मिक्स का वेरिएंट या फिर कोई दूसरा फोन हो सकता है, मी 7 है, नोकिया का 9 है या वगैरह वगैरह। देखते हैं कि कौन सा फोन हो सकता है और ये कब तक होता है लॉन्च, क्योंकि अब तो जो जमाना है वो स्नैपड्रैगन 845 का ही है। दूसरा अगला अपडेट निकल के आता है वो है भैया एक ऐसे वर्म को लेके जिसको कर लिया गया है कंप्लीटली डिजिटल तरीके से दोस्तों कन्वर्ट। यहां पे साइंटिस्ट ने उसके नर्वस सिस्टम को पूरा पढ़ लिया, पूरा समझ लिया, और ये दोस्तों बन जाता है दुनिया का इकलौता ऑर्गेनिज्म जिसके नर्वस सिस्टम को पूरा समझ चुके हैं साइंटिस्ट, और इसको भी दोस्तों कन्वर्ट कर दिया है डिजिटल फॉर्म में जहां पे आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं कंप्यूटर्स के जरिए। तो ये काफी एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है और आगे चल के मतलब हम इंसानों तक भी ये चीज तो पहुंचा ही लेंगे कभी ना कभी। दूसरा अगला अपडेट निकल के आता है वो है भैया बहुत ही इंटरेस्टिंग 4D गॉगल्स को लेके जो बहुत आपकी मदद करने वाले हैं अगर आप इनको पहन के देखते हैं कोई मूवी। तो मूवी दोस्तों अगर कोई आता है सीन को अगर आता है ऑब्जेक्ट तो वो आपसे इंटरेक्ट कर पाएगा, बेसिकली आप उसको फील कर पाएंगे अगर आप पहनते हैं इन 4D गॉगल्स को। तो यहां पे आप जो सामने देखते हैं ऑब्जेक्ट्स उनको एक्सपीरियंस कर पाएंगे रियल लाइफ में। मतलब अगर सामने कोई किसी को मार रहा है, बंदूक दिखा रहा है, तो क्या आपको फील होगा क्या? मतलब 4DX में तो होता है जहां पे सीट हिल रही है, पानी आ रहा है, खुशबू आ रही है, गनशॉट्स आ रहे हैं, मुक्के लग रहे हैं वगैरह वगैरह, लेकिन चश्मे में ये काम कैसे होगा वो हम देखते हैं आगे चल के। दूसरा अगला अपडेट निकल गया था वो इंडिया में मोटो Z2 फोर्स के लॉन्च को लेके, और यहां पे लेके आने वाला है मोटोरोला इस फोन को 15 फरवरी को, और यहां पे साथ में आने वाला है भैया इसके अंदर आपका मोटोरोला का टर्बो पावर मॉड। लेकिन अभी इस टाइम पे क्या फोन को लॉन्च करना ठीक है? मतलब ये पिछले साल का फोन है, बहुत पहले आ गया था यहाँ पे US में, अभी स्नैपड्रैगन 835 है और जो भी है, मतलब क्या ये वहां का स्टॉक यहाँ पे खाली कर रहे हैं? दोस्तों जो भी कॉन्सेप्ट है देखते हैं एग्जैक्टली क्या करता है Motorola इस फोन के साथ में 15 फरवरी को। दूसरा अगला अपडेट निकल के आता है वो है भैया यहाँ पे इंडिया में एक वार्निंग को लेके, जहां पे हमारी साइबर सिक्योरिटी टीम ये बोलती है कि हमको तैयार रहना चाहिए HNS बॉट अटैक के अगेंस्ट, बिकॉज यहाँ पे ये बॉट अटैक कभी भी हो सकता है हम इंडियंस के ऊपर। और यहाँ पे भैया बॉट अटैक का दोस्तों मतलब ये होता है कि बहुत सारे डिवाइसेस जो हैं जो भी इंटरनेट पे जुड़े हैं वो सब एकदम टीम बना के फौज बनाए करते हैं अटैक, और यहां पे इसका साइज बहुत ही बड़ा हो सकता है। तो ऐसे में हमारी जो सुरक्षा है वो हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। समझ में आई क्या हिंदी? दूसरा अगला अपडेट है वो निकल के आता है यहां पे एंड्रॉइड मैसेजिंग को लेकर, और भैया अगर आप अभी तक व्हाट्सएप के चंगुल में नहीं फंसे हैं, अगर आप में सीधे साधे इंसान दोस्तों अगर आप यूज करते हैं सिंपल एंड्रॉइड मैसेजिंग को, तो ये शायद अभी वेब के ऊपर आ सकती है जहां पे आप किसी कंप्यूटर से लॉग इन करने के बाद में मैसेजेस भेज पाएंगे, चैट कर पाएंगे दुनिया में कहीं पे भी। तो ये काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, शायद कर दोस्तों अभी टक्कर देने वाला है एंड्रॉइड मैसेजिंग सिस्टम व्हाट्सएप वगैरह को। हालांकि टक्कर तो अगर क्या दे पाएगा, लेकिन एक कन्वीनियंस है कि आप कंप्यूटर्स के थ्रू भी मैसेजिंग को कर पाएंगे। दूसरा अगला अपडेट है वो निकल के आता है भैया यहां पे एप्पल के iOS के सोर्स कोड को लेके, और यहां पे iOS 9 का सोर्स कोड दोस्तों हो गया पब्लिक ऑनलाइन लीक। और ऐसे में एप्पल बोलता है नहीं 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 टेंशन मत लो, ये बहुत ही पुराना है, अभी हम जो है वो नए पे काम कर रहे हैं, तो इसके लीक होने से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये चलो एक अच्छी बात है कि iOS 9 के जो यूजर्स हैं वो बहुत बहुत इतने से होंगे शायद पूरी दुनिया में। फिलहाल अगर ये एंड्रॉइड में लीक होता मान लो अगर लॉलीपॉप का भी तो भी पूरा आतंक मच जाता, लेकिन यहां पे एप्पल बोलता है कि नहीं वो बहुत ही पुराना कोड है, कोई चिंता वाली बात नहीं है। लेकिन वैसे बहुत ही सीरियस इशू है कि आपका जो OS है उसका कंप्लीट सोर्स कोड ऑनलाइन लीक हो गया है। दूसरा अगला अपडेट है वो निकल के आता है यहां पे गूगल के लिए सैड न्यूज, जहां पे भैया इंडिया में फाइन कर दिया गया गूगल को 136 करोड़ का, और यहां पे दोस्तों ये किया है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने। रीजन देते हैं कि यहां पे गूगल जो है वो फॉलो कर रहा था
अनफेयर प्रैक्टिसेस ट्रेड करने के लिए। तो देखते हैं कि गूगल को फाइन देना पड़ता है फिर दोस्तों होता है कोई सेटलमेंट, लेकिन 136 करोड़ तो बहुत ही एक बड़ी अमाउंट है और गूगल जैसे अच्छे नाम के लिए अनफेयर, क्या लगता है आपको? दूसरा अगला अपडेट है वो निकल के आता है सैमसंग गैलेक्सी S9 S9 प्लस को लेकर, जहां पर भैया कंफर्म हो गया है कि फोन के अंदर मिलने वाला है हमारा सभी का प्यारा ये हेडफोन जैक। तो अच्छी बात है भाई, अगर सैमसंग एप्पल को फॉलो ना करे कम से कम इस चीज को लेके, तो शायद यूजर्स के लिए एक अच्छा पॉइंट रहेगा फोन चूज करने के लिए। यहां पर दोस्तों लीक हुआ सैमसंग का जो होता है ये डेक्स अडैप्टर, जहां पे आप देख सकते हैं कि है एक HDMI पोर्ट, एक टाइप सी पोर्ट, दो है दोस्तों नॉर्मल USB। तो इसके बाद में आप फोन को कनेक्ट कर पाएंगे कंप्यूटर से, आप एंजॉय कर पाएंगे इसको एज ए डेस्कटॉप की तरह, लेकिन बस फोटो में दिख गया है सामने की जो हेडफोन जैक है वो प्रेजेंट है। दूसरा अगला अपडेट निकल के आता है वो है भैया नई इमोजीज को लेकर। अगर आप हो गए हैं परेशान कि इमोजीज जो है वो नई आ नहीं रही है, आप जो है वैसे में वही यूज कर रहे हैं, तो अभी यहाँ पे 157 जो है वो नई इमोजीज आने वाली हैं इस साल। तो ऐसे में भैया हो जाओ खुश, शायद आपके टेस्ट को सूट करने के लिए कोई नई इमोजी आपको मिल जाए और ये आप बाद में यूज कर पाएंगे हर जगह पे लगभग। तो ये देखते हैं कि कंप्लीट लिस्ट क्या है, हालांकि वैरायटी बहुत ज्यादा है, इस बार आपको कोई ना कोई तो पसंद आई जाएगी। वैसे फिलहाल के लिए आप मुझे नीचे कमेंट से बताओ कि आपकी लास्ट यूज्ड इमोजी कौन सी है, जो भी है कीबोर्ड में वो नीचे टाइप कर दो। दूसरा अगला अपडेट है वो निकल के आता है यहाँ पे भैया 5G फोन्स को लेकर, और कर ली है पार्टनरशिप क्वालकॉम के साथ में, शाओमी ने, वीवो ने, ओप्पो ने, नोकिया ने, सोनी ने, LG ने वगैरह वगैरह, और यहाँ पे 2019 में 5G फोन्स आ जाएंगे मार्केट में। नेटवर्क हो जाए ना हो भैया फोन जरूर है, जब भी आएगा नेटवर्क हमारे पास में होगा फोन तैयार बात करने के लिए। तो यहां पे 2019 के होंगे पहले कुछ फोन्स, उनमें आपको देखने को मिल जाएंगी 5G वाले सिस्टम्स की कंप्लीट कैपेबिलिटीज। तो देखते हैं कि हम रियलिटी में इंडिया में 5G यूज कर सकते हैं कब। जियो मेरे लाल, धन धनाधन, नया साल, नई दोस्ती, पता नहीं क्या क्या, कुछ भी, बस एक बार एक ऑफर निकाल दो, बाद में तो मौज ही मौज है, 3 महीने के लिए अनलिमिटेड फ्री। दूसरा अगला अपडेट है वो निकल के आता है यहां पे गूगल की तरफ से। दोस्तों गूगल ने $3 मिलियन करीब पे किए 2017 में सिक्योरिटी रिसर्चर्स को, जो भी नई बग्स ढूंढ के लेके आ रहे थे गूगल के पास में कि देखो भैया तुम्हारे सिस्टम में यहां पे कमी है, ये कमी है, ये है, वो है। तो गूगल ने ऐसे में टोटल करीब $3 मिलियन पे किए, जो कि एक बहुत ही बड़ी अमाउंट है। इसी के बाद शायद हम देख पाते हैं, बिकॉज़ यार हम ना कई बार चीजों को बहुत ही फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि हां ठीक है ना, चल WhatsApp पे चलो हम चला रहे हैं, चलो ठीक है Facebook हम यूज कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल बिहाइंड द सीन्स उसके लिए कितनी मेहनत लगती है, उसको प्रोटेक्ट करने उसमें कितनी मेहनत लगती है, इसको शायद हम कभी कंसीडर नहीं करते, लेकिन जब ऐसी फिगर्स निकलते हैं तुमको लगता है कि हां भाई वाकई में अब एंड्रॉइड यूज़ कर रहे हैं समझ के हलवा, लेकिन उसको बनाने में या मेंटेन करने में कितनी मेहनत लगती होगी। तो सर अगला अपडेट है वो निकल के आता है गूगल क्रोम की तरफ से, जहां पे अभी होने ये वाला है आगे चल के अगले अपडेट्स में कि जो भी आप दोस्तों देखते हैं वेबसाइट्स जहां पे भी HTTPS नहीं है, वहां पे अभी तक तो आता था सिर्फ एक्सक्लेमेशन मार्क, लेकिन अब आपको वहां पे क्लियरली देखने को मिलेगा नॉट सिक्योर, जिससे एक यूजर जिसको नॉर्मल शायद समझ नहीं है वो ये जान पाए कि जो वेबसाइट है वो सिक्योर नहीं है, बीच में जो डेटा है वो हो सकता है कहीं और लीक, उसके बाद में शायद वो वेबसाइट पे जाने के बाद में सोच समझ के काम करे, कुछ ऐसे वैसे काम ना करे। तो जो भी है एटलीस्ट क्रोम जो है वो यूजर्स को बताने वाला है कि जो वेबसाइट्स है वो कौन सी सिक्योर है और कौन सी नहीं है। दूसरा अगला अपडेट निकल के आता है वो है भैया फेसबुक की तरफ से, और यहां पे फेसबुक पब्लिक डिमांड पे एक चीज लेके आने वाला है। हम बहुत दिनों से बोल रहे थे कि भैया थम्स अप थम्स अप थम्स अप दिखा रहे हैं सबको, थम्स डाउन का बटन भी होना चाहिए, बहुत बार होती है पोस्ट ऐसी कि वहां पे हमको हमारा रिएक्शन देना पड़ता है थम्स डाउन की फॉर्म में। अभी फेसबुक लेके आ गया था हंसता हुआ, खिलखिलाता हुआ, मुस्कुराता हुआ, आश्चर्य भरा हुआ, गुस्से भरा, दोस्तों तरह तरह के चेहरे, लेकिन फिर भी थम्स डाउन का बटन नहीं था। तो यहां पे फेसबुक जो उसने कर दिया कंफर्म कि वो टेस्टिंग करने वाला है एक डाउन वोट बटन के लिए, लेकिन वो होने वाला है फिलहाल सिर्फ कमेंट्स के लिए, किसी पोस्ट के लिए नहीं। तो देखते हैं एटलीस्ट कि हमको यही ऑप्शन कब तक दिखने को मिलता है। दूसरा अगला अपडेट है वो निकल के आता है Xiaomi Redmi Note 5, अब Note 5 ही बोलेंगे दोस्तों बिकॉज नाम जो है वो ऑलमोस्ट Note 5 कंफर्म सा हो गया है, इसको लेके जहां पे ये भैया मिलने वाला है Flipkart के ऊपर 14 फरवरी के लॉन्च के बाद में। देखते हैं कि फ्लैश सेल होगा, क्या होगा, कितनी डिमांड होगी वगैरह वगैरह, और फोन एग्जैक्टली कौन सा होगा। अगर ये Redmi 5 प्लस को लेके आए ना Note 5 के नाम से तो भैया मेरा दिल सा टूट जाएगा, लेकिन देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या होता है 14 फरवरी को, और बाद में चलेगी जो फोन की प्राइस है वो कितनी होती है। तो सिर्फ फाइनल अपडेट निकल के आता है वो है यहां पे इंडिया में ऐप बेस्ड कॉलिंग को लेके, फिर चाहे वो गूगल डुओ हो, उसके अलावा चाहे वो व्हाट्सएप कॉलिंग हो, वाइबर हो, हाइक हो, वी चैट हो, मैसेंजर हो वगैरह वगैरह, मतलब यहां पे जो हमारी टेलीकॉम ऑपरेटर कंपनी है ना उनको मतलब बड़ा एक अंदर से ना बुखार सा निकल के आता है कि मतलब कोई कैसे फ्री में कॉल कर सकता है। अरे मालिक फ्री का कॉल कर रहे हैं, तुम्हारा डेटा हम यूज कर रहे हैं, डेटा के पैसे दे रहे हैं, उसके बाद में कॉल कर रहे हैं, लेकिन वो बार बार लगाते हैं अपील, अरे नहीं हमको पैसा चाहिए वगैरह वगैरह। तो यहां पर दोस्तों डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने कंप्लीटली क्लियर कर दिया है कि भैया अभी ऐसा कुछ भी चार्ज वार्ज नहीं लगने वाला है, जो फ्री है वो फ्री रहेगा, जो पॉलिसी है वो चेंज नहीं होने वाली है, बिकॉज भाई हम डेटा का पैसा दे रहे हैं ना,
अब वो डेटा का मैं ना हूं, निचोड़ू, मैं क्या करूं, वो मेरी मर्जी है, मैं उसमें ऐप में कॉलिंग करूं, मैं डाउनलोड करूं, मैं कुछ भी करूं, तुमको डेटा का पैसा मिल रहा है लेकिन फिर भी अंदर से आता है बुखार, नहीं नहीं नहीं, नहीं हमको तो पैसे चाहिए पैसे चाहिए। मतलब जो भी है अभी के लिए दोस्तों टेंशन की कोई बात नहीं है, आराम से यूज करो, दबा के आप व्हाट्सएप कॉलिंग को या किसी भी और ऑनलाइन सर्विस को, जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स लालची बैठे इंडिया है कुछ, उनकी डिमांड पूरी नहीं होने वाली है। तो दोस्तों बस यही थे सारे आज की अपडेट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा, अगर आपने इस वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो लाइक भी दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूं। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।